नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ और स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स मैथ में। दोस्तों, रीट भर्ती 2020 से जुड़ी एक अहम खबर यहां पर देखने को मिली है। दोस्तों, यहां पर मीडिया ने जो है वो सवाल उठाया है कि विद्यार्थी जो है वो 45 दिन के बाद भी जो है वो सिलेबस नहीं जारी किया गया है, पद भी तय नहीं है, असमंजस में है विद्यार्थी। दोस्तों, मैं शुक्रिया करता हूँ मीडिया का जिन्होंने इस चीज़ को जो हो प्रकाशित किया। और दोस्तों, आप भी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना धन्यवाद ज्ञापित कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपके अनुसार भर्ती कब होगी और कब विज्ञप्ति निकलेगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा राज्य मंत्री डोटासरा ने 24 दिसंबर को घोषणा की थी कि 2 अगस्त को कराएंगे परीक्षा, लेकिन दोस्तों अभी तक ना इसकी कोई जानकारी गोविंद सिंह डोटासरा ने दी है और ना ही कोई मुख्यमंत्री ने दी है। दोस्तों, अब तक 4 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा दोस्तों है वो हो चुकी है। और दोस्तों, इसके बाद जो है वो आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया था कि जनवरी फरवरी के पहले हफ्ते में जो इस रीट का जो पाठ्यक्रम और विज्ञप्ति है वो निकाल दी जाएगी, लेकिन दोस्तों इस चीज़ की कोई भी संभावना अभी तक नहीं दिख रही है। दोस्तों, आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जब ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।